राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उत्तर प्रदेश का कन्नौज इतर नगरी के साथ साथ सियासी तौर पर भी देश भर में पहचाना जाता है। कन्नौज जबरदस्त चुनावी युद्ध का मैदान बन चुका है और यहाँ की लड़ाई एक तरफा नहीं है। यहाँ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सपा बसपा गठबंधन के टिकट पर मैदान में है और उनके सामने बीजेपी ने सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा था। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्नौज से डिंपल यादव हार सकती है। थोड़ी नब्ज टटोलने के बाद आश्चर्य नहीं होता कि पिछले चुनाव में डिंपल यादव बहुत कठिन लड़ाई में जीती थी और इस बार उनका चुनाव फंसा हुआ है और वह ये चुनाव हार सकती है। बता दें कि डिंपल को पिछली बार सुब्रत से कड़ी टक्कर मिली थी, इसलिए उन्हें ज्यादा अंतर से नहीं बल्कि मात्र 19,907 वोट की बढ़त पर जीत हासिल हुई थी। इस बार हालात मगर बदले हुए हैं। पिछले चुनाव के समय अखिलेश प्रदेश के मुखिया थे। प्रदेश में अब की बार भाजपा सरकार है, लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिछली बार सपा मैदान में अकेली थी, मगर इस बार उनके साथ बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी डिंपल यादव सुब्रत पाठक को हराकर फिर यूपी के कन्नौज को हासिल करने में सफल होंगी या फिर इस बार कहानी कुछ और होगी? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।